कोरोना महामारी के चलते देश भर में 22 मार्च से लॉकडाउन था, जिसके कारण देशवासियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर देश को कुछ फायदे भी हुए, जैसे पर्यावरण में शुद्धता आई, खासकर नदियां साफ हो चुकी हैं। उनमें वाटर क्वालिटी की, गंगा की गुणवत्ता पे क्या असर पड़ा है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री भी बंद है और बेसिकली उत्तराखंड में तो इंडस्ट्री का कोई भी एफ्लुएंट गंगा में नहीं गिरता है। उत्तराखंड का बेसिकली गिरता है राम गंगा में और जाके उत्तर प्रदेश में मिलती है, और यहाँ सिटकुल हरिद्वार का जो है वो बराबर में किसी एक नाले में, छोटी नदी में गिरता है, उसके बाद जो है गंगा तक नहीं पहुँच पाता। तो असल तो यहाँ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, तो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं बिल्कुल बंद हैं, सबको पता है लॉकडाउन में। तो हमने देवप्रयाग से लेकर गंगा के, जहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा है, जहाँ तक हरिद्वार के नीचे डाउन स्ट्रीम में, वहाँ तक हमने मॉनिटर करा और देखा कि भाई क्या क्या असर पड़ रहा है। तो फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है, क्योंकि टूरिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं है, गंगा हर की पौड़ी पे स्नान वगैरह नहीं हो रहा है। तो हर की पौड़ी तक आप जो हैं कॉलीफॉर्म, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया, जिसका कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का, पैथोजिन बैक्टीरिया का इंडिकेटर होता है, तो ऑलमोस्ट जीरो मिला। इन्हीं सब बदलावों को देखते हुए रुड़की के निवासी वरिष्ठ नागरिक प्रवीण अरोड़ा ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लॉकडाउन से हुए फायदों को बरकरार रखने के लिए साल के आखिर में एक साथ 12 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग की है। साथ ही इन 12 दिनों के अलावा सारी छुट्टियों को निरस्त करने की मांग भी की गई है। मैंने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है कि साल में 52 रविवार होते हैं, हर महीने एक रविवार को आप सबसे काम करवाइए, मतलब अपने कर्मचारियों से, दुकानदार अपने नौकरों से सबसे काम कराएं, और वो जो 12 दिन हमने काम किया है उसका साल के अंत में 12 दिन का एक लॉकडाउन कर दिया जाए, जैसा कि शुरू में 15 दिन किया था। फिर कुदरत हमें वही नवजीवन वाला वातावरण दे देगी, ना हमें अरबों खरबों खर्च करने की जरूरत है, ना हमें नदियां साफ करने की जरूरत है, ना हमें पेड़ लगाने की जरूरत है, सब कुछ कुदरत अपने आप कर देगी, और कुदरत ने करके दिखा दिया। इस वक्त तो 80% जो लोग हैं दमे के मरीज, उन्होंने इनहेलर भी यूज करना बंद कर दिया है, ये आप इस बात के तथ्य से आंकड़े ले सकते हैं। भगवानपुर से न्यूज स्टूडियो के लिए मुर्सलीन अलवी की रिपोर्ट।